us the gorgeous Digangana Suryavanshi, also known as Veera from Ek Veer Ki Ardaas Veera, who is celebrating her birthday in a very unique way. Let's have a look at the celebration. Special day, Digangana gets princess treatment from her parents, and not just this, but she also received 17 gifts from her parents as it was her 17th birthday. Let's hear it from her about her celebration. सुबह सुबह मैं उठी, मेरे लिए फूल बिछाए थे जिन पर मैंने पैर रखा. फिर राज्यभिषेक जैसे होता है महारानियों का होता है, राजकुमारियों का अभिषेक होता है, वैसे राजकुमारी की तरह मेरा अभिषेक हुआ. फिर मैंने गाउन पहना और मैंने फूलों की ज्वेलरी पहनी है, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी. और मैंने चांदी की चप्पल पहनी है और सोने का मुकुट. सो हाँ, एक्चुअली प्रिंसेस ऐसा फील कर रही हूँ. ये तो पेरेंट्स ने किया, मुझे फैंस ने कई 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 सारे गिफ्ट्स भेजे हैं जिनको खोल खोल के इट्स लाइक मैं सारे गिफ्ट्स को कैसे खोलूँ. एंड सबके साथ मेरी एक आदत है सबके साथ एक पिक्चर लेके ट्वीट करना. सो वो इतने सारे थे कि मैं सारे इत्मीनान से देख भी नहीं पाई. तो अब जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं सारे खोलूँगी, देखूँगी, पिक्चर लूँगी और ट्वीट ज़रूर करूँगी. मैंने सारे लेटर्स पढ़े, कुछ लेटर्स को पढ़ के मुझे रोना आ गया. थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए. और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स फैमिली सारे आए हैं, शाम को सेलिब्रेशन है तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे लगता है माँ पापा के प्यार में कोई चेंज नहीं है. फर्स्ट बर्थडे पे भी उन्होंने अभिषेक किया था, तब हम मेरे फ्रेंड्स फैमिली, तब जो हमारा सर्कल था सारे लोग आए थे. मेरी मॉम के लिए मेरा बर्थडे मेरे लिए जितना खास है उनके लिए उससे ज़्यादा खास है. तो वो ज़्यादा प्रिपेयर करती हैं मेरे बर्थडे के लिए हर साल. सो ये उनका अफेक्शन है, उनका प्यार है और मैं बेहद खुश हूँ. बर्थडे पे एक तो राज्यभिषेक, लाइक ये जो अभिषेक होता है ये हर साल होता है, कभी मिस नहीं करते. मुझे क्राउन पहनना बहुत पसंद है, चांदी की चप्पल और ऐसी कौन सी चीज़ है, केक कट करना. सबसे पहला कॉल वीर जी का आया था, शिवन का. उनका सबसे पहला कॉल आया, फिर मेरे बाकी फ्रेंड्स के कॉल्स आए, सबके मैसेजेस आए, एक्चुअली बहुत सारे. पहला मुझे याद है बिकॉज एक्चुअली पहले कॉल्स और भी लोगों के आ गए थे बट उनका पहला कॉल मैंने अटेंड कर लिया था. लाइक पेरेंट्स ने मुझे 12 बजे विश किया तो 10-15 मिनट हम आपस में ही लगे हुए थे. फिर उसके बाद जो मैंने फ़ोन उठाया वो वीर जी का था. मैं खुद को कुछ गिफ्ट नहीं करती. मैं जेन्युइनली खुद को कुछ गिफ्ट नहीं करती. मेरे पेरेंट्स ही मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दे देते हैं कि फिर खुद को गिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हर साल यही इच्छा होती है कि मैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग बहुत अच्छी इंसान रहूँ, जो मेरे लिए एक मेरी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी रहता है कि जैसे हो वैसे रहो और अपने फैमिली को उतना टाइम दे पाना. एंड लास्ट ईयर तो वीरा मैं शूट नहीं कर रही थी, स्टार्ट होने वाला था, तो इस साल वीरा भी है तो सब कुछ हैंडल करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है. बट हाँ, मैंने पिछले साल यही विश किया था कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ और वो मैं कर रही हूँ. हाँ, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो शाम को भी है. फैंस को ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके मैसेजेस, मेल्स, लेटर्स, गिफ्ट्स जितने मेरे मुझ तक पहुंच पाते हैं और जितने मैं रिसीव करती हूँ, मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ. आप लोग अपनी ज़िंदगी के आधे घंटे हमें देते हैं, हमारा शो देखते हैं. सो थैंक यू सो मच. We wish
Princess Digangna a very happy birthday from the entire team of India Forums. Neha Sawan with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hey you guys, this is Digangna Suryavanshi here from Veera. Keep watching India Forums and subscribe WhatsApp TV. Love you all.